वाइफ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को अपने हस्बैंड के साथ अफेयर करने के लिए हायर कर दिया। इसके पीछे उसके बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस रीजन थे। जिस तरीके से मूवी टर्न लेती है ये आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। आज हम द राइट टेम्पटेशन 2000 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी देखेंगे। अगर आपको वीडियो चाहता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर डेरियन को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव थी। आज उसके ऑफिस में एंथिया नाम की एक बहुत ही रिच लेडी आई। उसकी बॉस से वो बात करती है। उसने कहा कि शायद मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इसी बारे में उसे कंफर्मेशन चाहिए था। इस कंफर्मेशन के लिए वो कितने भी पैसे पे कर सकती है। उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जो डिटेक्टिव उसके बारे में पता करेगी वो डिटेक्टिव फीमेल होनी चाहिए। बॉस फिर एंथिया को डेरियन से मिलने के लिए भेज देता है। डेरियन ने एंथिया से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। एंथिया कहती कि जब मैं फर्स्ट टाइम उसे मिली थी तो हमारे रिलेशनशिप में जो स्पार्क था वो आजकल नहीं है। वो सक्सेसफुल है और एक चीज पर टिका नहीं रहता, इसी वजह से उसे अट्रैक्टेड थे, पर यही चीज अब उसके लिए वरी बन गई है। उसे बीच रात में कॉल आते, अलग अलग मीटिंग करता है, शायद उसका अफेयर चल रहा है। एंथिया की कंडीशन थी कि माइकल के बारे में डेरियन को जो भी पता चले इसकी सिर्फ एक ही कॉपी होनी चाहिए, बाद में इस बात का स्कैंडल नहीं बनना चाहिए। इस सब के लिए एंथिया मान जाती है। इसके बाद डेरियन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड ट्रेविस आया। ट्रेविस एविडेंस लाने के लिए डेरियन का फोटोग्राफ था और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। ये दोनों माइकल का पीछा करते तो माइकल एक लड़की के साथ डिनर कर रहा था, पर बाद में उस लड़की का हस्बैंड वहां पर उनके पास पहुंच जाता है। माइकल काफिर है, इसके बारे में डेरियन को कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता। घर आने पर डेरियन सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। बार बार एक ही केस के बारे में सोचती रहती है। अभी क्या था हमें फ्लैशबैक में पता चलता है। डेरियन पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, अंडरकवर होकर उसने गैंगस्टर के साथ अफेयर किया था। इस गैंगस्टर को एक डील में वो पकड़ने वाले थे। गैंगस्टर जिस पुलिस ऑफिसर से डील कर रहा था उस पर उसे शक चला जाता है। उसने उसे चेक किया तो पुलिस ऑफिसर कर निकाल लेता है। डेरियन और पुलिस ऑफिसर ने गैंगस्टर के आर्मियों को मार डाला और गैंगस्टर पर गन रखी। डेरियन उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज गन नीचे रख दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पास अच्छे लॉयर्स हैं और तुम इससे बच जाओगे। वो अपनी गन नीचे रखने वाला था पर अगली बिल्डिंग में पुलिस के स्नाइपर थे जो गैंगस्टर को मार डालते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से डेरियन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रात में वो एक बार में आके उसके पास एक डॉक्टर आता है और ये दोनों बात करने लग गए। कन्वर्सेशन में डॉक्टर वायलेंस को लेकर बात करने लगता है। ये डेरियन को सही नहीं लगता और गुस्से में वहां से वो चली जाती है। फिर से रात में वो माइकल पर नजर रखने लग गए। वो एंथिया से कहती है माइकल तो हमेशा काम ही करता रहता है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी अफेयर है। एंथिया ने कहा कि शायद उसे राइट अपॉर्चुनिटी अब तक मिली नहीं। अगले दिन डेरियन ने एंथिया को बुलाया और कहा कि उसका कोई भी अफेयर चल नहीं रहा, सारे प्रूफ उसे दे देते हैं। एंथिया कहती कि अगर हम माइकल को अफेयर करने का चांस दें तो फिर क्या होगा ये मैं देखना चाहती हूँ। डेरियन को बात समझ में नहीं आती तो एंथिया ने कहा कि तुम अंडर कवर उसके पास जाओ, उसके साथ अफेयर करो। डेरियन ने कहा कि ये सब काम करना लीगल नहीं है, पर एंथिया ने कहा तुम्हारी जो भी सैलरी है इसकी मैं डबल तुम्हें दूंगी। डेरियन ने काम एक्सेप्ट कर लेती है पर उसने केयर किया कि इन दोनों के बीच में बात हुई इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। माइकल अपने फ्रेंड के साथ स्क्वाश खेल रहा था तो वहां पर डेरियन पहुंच जाती है। उससे जानबूझकर टकरे और उसकी सारी चीजें नीचे गिर गई। माइकल उसे हेल्प करता है तभी डेरियन ने कहा कि आज डे कौन सा है। वो रियलाइज करती कि आज उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए नहीं आने वाली, वो खेलने के लिए अकेले ही है। माइकल उसे हेल्प कर जा रहा था पर उसे लगता है कि डेरियन के साथ उसे प्ले करना चाहिए। उसने कहा कि तुमने कोर्ट के लिए पे किया है तो इसे इस तरीके से वेस्ट जाने देना जरा बुरा होगा। ये दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और दोनों को मजा आया था। माइकल यहाँ से चला गया पर उसका वॉच नीचे गिर गया था। रात में डेरियन ने एंथिया को कॉल किया। वो कहती कि मैंने माइकल को अप्रोच तो किया था पर वो इंटरेस्टेड लगता नहीं, शायद मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ। एंथिया कहती कि मैं माइकल को जानती हूँ, तुम उसी के टाइप के हो, एफर्ट्स कंटिन्यू रखना। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और गैंगस्टर के मरने पर डेरियन इतने अपसेट क्यों थी ये हमें पता चलेगा। एचओएल में अंडरकवर काम करते हुए उससे प्यार करने लग गई थी। ये दोनों करीब आने लग गए तो डेरियन बाथरूम में जाकर उसकी सारी रिकॉर्डिंग डिवाइस वगैरह निकाल लेती है। उसकी डेथ के बाद उसे बहुत ही अकेला लग रहा था। अगले दिन माइकल की वॉच लौटाने के लिए डेरियन उसके ऑफिस में आ गई। माइकल को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसके फादर ने उसे एक गिफ्ट किए थे। उसने डेरियन से कहा कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्या मैं तुम्हें ड्रिंक्स के लिए लेकर जा सकता हूँ। डेरियन भी इसके लिए मान जाती है। डेरियन माइकल के बारे में रिसर्च करते हुए पुलिस स्टेशन में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई। फ्रेंड कहता है कि माइकल रियल एस्टेट वगैरह ये सब सेल करता रहता है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा पैसे है। फ्रेंड का नाम था फाल्को। फाल्को ने डेरियन को समझाने की कोशिश की कि फिर से उसे पुलिस में आकर काम करना चाहिए पर डेरियन इस बात के लिए नहीं मानती। रात में माइकल और डेरियन दोनों ड्रिंक्स के लिए मिले।
ये प्लेस जरा अलग था। तो माइकल कहता है कि जब मैं डॉक्टर बन रहा था तब ये प्लेस मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। ये बात डेरेन के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी। डेरेन ने भी कहा कि पहले मैं पुलिस में थी। माइकल डेरेन को सच बता देता है कि वो मैरिड है। डेरेन ने कहा कि मैं सिंगल हूँ। माइकल ने कहा कि लोगों को लगता है कि मेरा मैरिज परफेक्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स है। इसके बाद माइकल डेरेन को घर पर ड्रॉप कर रहा था। एक आली में कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे थे। इन दोनों ने नोटिस किया तो माइकल एक डंडा लेकर उनके पीछे भागता है। उन्हें मार मार कर उस आदमी को उसने बचा लिया। डेरेन कहती है कि अगर तुम उसे हेल्प नहीं करते तो लोग उसे मार डालते। उसे इम्प्रेस्ड हो गई थी। माइकल कहता है कि करना बहुत ही डेंजरस था, पर इसके बारे में उसने कुछ भी सोचा नहीं। वो डेरेन को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया, पर डेरेन कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। ऊपर आकर अंत्या को कॉल करते, पर अंत्या ने कॉल नहीं उठाया। उसकी पीक को बाहर घुमाने के लिए निकले तभी माइकल डोर के बाहर ही खड़ा था। उसे किस कर लेता और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। अगले दिन डेरेन अंत्या से मिले। उसने उसे सब कुछ बता दिया। अंत्या को बहुत बुरा लगता है। उस पर गुस्सा हो गए और कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें माइकल के पास जाने के लिए कहा था, ये सब करने के लिए नहीं। अंत्या ने कहा कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। माइकल एक्चुअल में बहुत ही डेंजरस लोगों के साथ इन्वॉल्व है। वो आजकल वायलेंट हो चुका है और उसने मुझे मारा भी था। एक्चुअल में चल क्या रहा है इसके बारे में मुझे पता करना था, इसी वजह से मैंने तुम्हें हायर किया था। प्लीज इन सब के बारे में पता करो और हम दोनों को बचा लो। डेरेन इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाती है। वो फिर माइकल के रिकॉर्ड्स निकालने के लिए पुलिस स्टेशन में गए। ऑफिसर उसे कहते हैं कि माइकल रियल एस्टेट में अलग अलग कंपनी चलाता है, उसके ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, ये सब लीगल है। पर ऑफिसर को लगता है कि माइकल एक्चुअल में एक गैंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। वो भी बहुत टाइम से माइकल के पीछे पड़े हैं, पर उन्हें कोई भी सबूत मिला नहीं। अब डेरेन माइकल के पास है तो उसे कहती है कि उसके करीब जाओ और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें गैंगस्टर की डेथ होने के बाद डेरेन ने अपने ऑफिसर से बात की थी। उसे कहती है कि मैं उसे बचा सकती थी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ऑफिसर कहते हैं कि इस जॉब पर तुम्हें सिर्फ जिंदा रहना है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो मानता नहीं तो तुम्हें भी मार डालता। आज रात डेरेन जब सोई हुई थी तो उसे कुछ आवाज आई। उसने गन निकाली पर उस पर कोई हमला कर देता है, उसे गला घोट कर मारने लग गया था, पर डेरेन की पीक ने कुछ आवाज की और उस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डेरेन एक चीज लेकर उसके चेस्ट में डाल देती है। वो जरा इंजर्ड हो गया और जल्दी से वहां से भाग जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे पुलिस पहुंच गए। डेरेन अपनी गवाही देती है। फाल्को ने कहा कि हम उसे ढूंढी लेंगे। फाल्को पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कुछ इम्पोर्टेंट था। डेरेन ने कहा कि सिर्फ केस की कुछ फाइल्स थी, उसमें मिसिंग क्या है इसके बारे में उसे पता नहीं है। अगले दिन डेरेन माइकल से मिले। कल रात जो भी हुआ था इसके बारे में उसे बता देती है। माइकल उसके लिए वरीड हो गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं पूरा टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मुझे तुम्हारे साथ होना है। इसके बाद उसके ऑफिस में गए और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डेरेन ने कहा कि हमें हमारे रिलेशनशिप को कैजुअल रखना चाहिए, और माइकल कहता है हमारे बीच में कुछ भी कैजुअल नहीं है, मुझे मेरे पार्टनर में जो भी क्वालिटीज चाहिए थी इस सब कुछ तुम में है, तुम मेरे लिए एक एडिक्शन की तरह। वो विश करता है कि शायद उसकी वाइफ मर जाए क्योंकि उसे बहुत तंग करती है। ये बात डेरेन को वियर्ड लगी, पर माइकल कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, एंथिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसने कहा कि मुझे एक अलग आदमी की रिंग उसके पास मिली थी। वो डेरेन को एंथिया की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। डेरेन इस बात के लिए मान जाती है। एंथिया जिस आदमी के साथ मिल रही थी उनकी उन्होंने फोटोज निकाली। नेक्स्ट डे में डेरेन एंथिया से मिलकर उसे कन्फर्म कर दिया। उसने पूछा तुम इस आदमी से मिल क्यों रही थी। एंथिया ने कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। डेरेन कहती है कि तुमने मुझे माइकल के बारे में चार चार स्टोरीज बताए, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ। एंथिया समझ गई कि डेरेन अब माइकल के लिए काम कर रही है और वहां से चली जाती है। डेरेन ने फिर माइकल को कॉल लगाया। उसने कहा कि अब हम दोनों नहीं मिल सकते। माइकल कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से ब्रेकअप नहीं कर सकती, तुम्हें मुझे मिलने के लिए आना चाहिए। डेरेन उसकी कोई भी बात मान नहीं रही थी। उसे उसके फ्रेंड ट्रेविस का कॉल आता है, उसे फोटोग्राफ्स देखने के लिए बुला रहा था, कहता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोन रखने के बाद ट्रेविस बाहर निकला तो एक आदमी उस पर हमला कर उसे मार डालता है। डेरेन उसके घर पर पहुंची पर उसे कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं मिली। जाते जाते वो डस्टबिन से रख रहती है तो जिस आदमी से अंत्या मिली थी उसकी फोटोग्राफ उसमें थी। घर आती अंत्या का डेरेन को कॉल आता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती कि माइकल मुझे मारना चाहता है, उसने मुझे हिट किया और घर में मैं छुपी हुई हूँ, उसके पास गन है। डेरेन कहती कि अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। अंत्या ने कहा कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। डेरेन ने कहा कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगी। वो माइकल के घर पर पहुंची तो दरवाजा खुला था। अंत्या बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि मैंने माइकल से उसकी गन छीन ली थी, मैंने गोली चलाई पर वो किसी और जगह पर लग गई थी।
वो अभी भी ऊपर है। बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना। डेरियन गन लेकर अंदर गए तो माइकल के फेस पर गोली लगी थी और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पुलिस वहां पर पहुंच जाते हैं और एंथिया ने पुलिस को बताया कि डेरियन ने माइकल को मार दिया है। जिस गन से मर्डर हुआ था ये भी डेरियन के पास ही थी, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। नीचे से एंथिया उस पर हंस रही थी, सारी चीजों के लिए उसने उसे फ्रेम कर दिया। डेरियन अपने लॉयर को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। लॉयर ने कहा कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, सबको लगेगा कि माइकल के ऊपर तुम रिसर्च कर रही थी, उसके साथ तुम्हारा अफेयर हो गया, वो तुम्हें छोड़ रहा था इसी वजह से तुमने उसे मार दिया। डेरियन इन सब चीजों से बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। वो इस पर सोचती है और उसने लॉयर से कहा कि ट्रेविस से बात करो, उसे पता है कि एंथिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। लॉयर कहता है कि ट्रेविस का कल रात मर्डर हो गया। डेरियन को बहुत बुरा लगा। वो लॉयर से कहती है कि प्लीज माइकल के ऊपर मैंने जो भी फाइल बनाई थी इस सब कुछ मेरे पास लेकर आओ। वो इस पर पूरा रिसर्च करती है, सारी चीज उसने फिगर आउट कर ली। डेरियन ने नोटिस किया था कि एंथिया का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था उसके शोल्डर पर एक चोट थी। उस रात डेरियन पर जिस आदमी ने हमला किया उस आदमी को भी डेरियन ने शोल्डर पर ही मारा था। वो सब कुछ फिगर आउट कर लेती है। उसने अपने फ्रेंड फाल्को को बुलाया, उसे कहती है कि माइकल और एंथिया ने मिलकर मुझे फ्रेम किया, माइकल अभी जिंदा है। मर्डर के बाद माइकल का पूरा फेस बर्बाद हो गया था, इसी वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। फाल्को कहता है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। डेरियन कहती है कि एंथिया के साथ जो आदमी था उसे मैंने शोल्डर पर मारा था, अगर वो चोट मैच कर जाती है तो हमारे पास प्रूफ होगा। फाल्को इस बात को सीरियसली लेता है। डेरियन की सारी बात सच निकली। वो फिर डायरेक्टली सब पुलिस लेकर एंथिया को अरेस्ट करने के लिए पहुंच गया। वो एयरपोर्ट पर थी, हमेशा के लिए कंट्री छोड़कर भाग जाने वाली थी। फाल्को ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि डेरियन के साथ क्या कोई आदमी था। रिसेप्शनिस्ट कहती कि एक आदमी के साथ उसकी प्राइवेट प्लेन पर एक टिकट है। वो जल्दी से प्लेन पर पहुंचे पर माइकल ने बोर्ड ही नहीं किया। माइकल अपने ऑफिस में आकर सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहा था तभी डेरियन वहां ऑलरेडी थी। उस पर गन लगाती है और कहती कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, तुमने मासूम लोगों की भी जान ले ली। माइकल ने कहा कि सारा प्लान एंथिया का था, इसमें कोई भी हर्ट होगा इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरी तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप थी ये रियल थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं एंथिया के साथ आज नहीं गया। डेरियन ने कहा कि अगर तुम सचमुच में मुझसे प्यार करते हो तो सब कुछ पुलिस को सच सच बता दो। माइकल कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम एक अलग कंट्री में जाकर रह सकते हैं। डेरियन इस बात के लिए नहीं मानती तो माइकल कहता है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाने वाला, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो यही कि यही मार डालो। उस पर जोर से चिल्लाता है कि मुझे मार डालो और उसने अपनी गन निकाल ली। वो डेरियन को मारने वाला था तभी डेरियन उस पर गोली चलाकर उसे मार डाल दिया। डेरियन को माइकल के लिए बुरा लगता है पर अपने सुपीरियर के वर्ड्स उसे याद आए कि इस जॉब में जिंदा रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गैंगस्टर की डेथ के बाद वो टूट गई थी, उसे लग रहा था ये सब कुछ पुलिस की गलती है, पर अब उसने रियलाइज किया है इस जॉब पर जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है। सबकी सेफ्टी के लिए उस गैंगस्टर को मार दिया गया था। उसे फाइनली अपना क्लोजर मिल गया और लाइफ में आगे बढ़ सकती है। वो माइकल के डॉक्यूमेंट्स देखती है और अब सारे पैसे उसके पास है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।